ये देख सकते हैं आप लोग, किसी ने रगड़ दिया और ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है कावासेक्सी। और ये मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बेसिकली। ये प्रोजेक्ट मोटर रैंड के यहाँ पर साइड में फ्लैप्स लगवाए हैं दोनों साइड्स में, साइलेंसर गार्ड लगवाया है, ये वैनम का है ठीक है, इसको मैंने अभी लखनऊ से कराया था एक कंपनी से। बाकी ये एग्जॉस्ट को किसी ने ठोक दिया था, देख सकते हो मैं जितनी बार वीडियो बना रहा हूँ उतनी बार उस बंदे को कोस रहा हूँ, जो भी बंदा हो। ये इसमें कीड़ा फंस गया है, बेसिकली रैम का एंटेक वॉल्व है। हे गुड आफ्टरनून गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराएं ठीक है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस हो सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो द मेन पार्ट इज दिस कि मैंने इस गाड़ी में ये प्रो के आरएनजी के बेसिकली मैंने इसमें जो है क्रश गार्ड लगवाए थे। इससे आपका बाइक का ये पैनल, इंजन और बेसिकली अगर आए तो एक हिस्सा इधर लगा हुआ है, साथ में एक हिस्सा इसका इधर दिया है इन्होंने, देख सकते हैं इधर काफ़ी मजबूत है ये, बहुत मजबूत है। बेसिकली अगर ये गिरेगी ना बाइक तो पहले रगड़ेगा, ये टूटेगा नहीं, ये रगड़ेगा। ये आप देख सकते हो ये कितना मोटा है, ये अंदर जाके आगे इंजन से बिल्ड है ठीक है। तो ये आसानी से मतलब कुल मिला के बाइक को पूरा ध्यान देगा, बाइक का गिरने से या उसको बचाने के से। एक बार आप देख सकते हो बेसिकली बाइक थोड़ी सी खर्ची हुई है, तो पहले ये रगड़ेगा देन टूटेगा नहीं कुल मिला के। और टूटने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, रगड़ के बाइक को बचा देते हैं। कुछ इसमें रबर टाइप का मटेरियल है जो काफ़ी मजबूत है। इसके बाद मैंने इसमें किए साइलेंसर गार्ड लगवाया है, ये वैनम का है ठीक है, इसको मैंने अभी लखनऊ से कराया था एक कंपनी से। पीछे आते हैं तो एक आरएनजी का मुझे यहाँ पर एक स्टिकर मिला था, मैंने इसको यहाँ लगवा दिया, मुझे नहीं समझ में आया इसका खास यूज़ क्या है, तो देख सकते हैं ये लगा हुआ है ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, मैंने अभी ये प्रोजेक्ट मोटर रैंड के यहाँ पर साइड में फ्लैप्स लगवाए हैं दोनों साइड्स में, तो ये थोड़ा सा बाइक के लुक को बढ़ाने के लिए और कुछ खास नहीं है इससे। ये देख सकते हैं आप लोग, किसी ने रगड़ दिया और ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है जो टाइटेनियम का है। और बेसिकली जो नई टेनार आई है इसमें आप हाफ सिस्टम लगा ही नहीं सकते मेरे ख्याल से, जो मेरी बातचीत हुई। इशू क्या होता है, ये जो इसका आता है बॉडी, ये एक सिंगल पीस में आती है, आप देख सकते हो पूरी बॉडी यहाँ से मतलब पूरी इंजन से निकल के आगे से आई हुई है, ये चार निकले हुए हैं, ये इसके अंदर से दिखेंगे, यहाँ से ये चारों एक साथ जाते हैं पीछे से लेके, और ये चारों एक सिंगल साइलेंसर में आके यहाँ पर मजल होते हैं ठीक है। तो बेसिकली इनलाइन फोर सिलेंडर सिलेंडर इंजन है, तो उसमें जो चार आएंगे वो चारों आकर सिंगल में मिलते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो ये फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, मतलब इसमें आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ही लगवा सकते हो मेरे ख्याल से, हो सकता किसी ने कोई जुगाड़ किया हो तो मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो ये एरो का मैंने एग्जॉस्ट कराया था, ये नीरली मुझे 220 का पड़ा था, 2,20,000 रुपये का, और इसको मैंने दिल्ली से कराया था। अच्छा एक खास बात मैं और बताऊँ, मैंने ये टाइटेनियम का एग्जॉस्ट लगवाने के बाद पता चली, जो मैंने पहली बार जानी, कि आप बाइक जितनी भी तेज़ चलाओ, मतलब बाइक आपकी आग फेंक रही हो, आप बाइक को खड़ा करोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 मिनट आप रुक जाओ, 5 से 7 मिनट में साइलेंसर इतना ठंडा होगा ना कि आप उसको हाथ से पकड़ सकते हो, मतलब कि उसकी गर्माहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब यही स्टील के या और जो भी मेटल्स में एग्जॉस्ट आते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती है, मतलब वो बहुत देर तक गर्म रहते हैं, आपने जूता रख दिया, मेरे पास GTR जो दूसरी बाइक है उसमें ये चीज़ बहुत होती है, मैंने जूता रख दिया जूता जल गया, कपड़ा रख दिया कपड़ा जल गया, मतलब कपड़े जूते सब जलते रहते हैं। तो टाइटेनियम एग्जॉस्ट की खास बात मुझे ये समझ में आई कि बेसिकली ये बहुत जल्दी हीट करता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो एक सबसे अच्छी बात ये लगी। बाकी ये एग्जॉस्ट को किसी ने ठोक दिया था, देख सकते हो मैं जितनी बार वीडियो बना रहा हूँ उतनी बार उस बंदे को कोस रहा हूँ, जो भी बंदा हो प्लीज़ कमेंट करके बता दे किसने ऐसा किया। हाँ, और ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए थे, बाकी मैंने कुछ एडवांस लिए जैसे एक कावासेक्सी, और ये मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बेसिकली। तो ये बाइक को बेसिकली सूट भी करता है। आप इसके आके बेसिकली फिगर्स देखिए, एंगल्स देखिए, इसके एरोडायनामिक स्ट्रक्चर देखिए, आप देख रहे हैं ये पीछे तक गया है, देख रहे ना, ये इसमें कीड़ा फंस गया है, बेसिकली रैम का एंटेक वॉल्व है।
तो बेसिकली एयर को अंदर लेता है यहाँ से बहुत तेजी से अंदर लेता है। अब दिखाऊंगा आपको। हाँ, और अब भी मुझे कुछ काम इसमें और भी कराना है, जो मैं कराऊंगा उसके अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आजकल काफ़ी बीमारियाँ चल रही हैं, सभी लोग ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ बाइक को बहुत तेज मत चलाइएगा, प्रॉपर हेलमेट लगा के चलाइएगा। आप सभी लोगों से मेरा बहुत बहुत निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।